लेकिन जब बिल उनके पास आया कि कितना खर्च हुआ है ऑक्सीजन के लिए, तो उनकी आंखों में आंसू आ गया। तो डॉक्टर बड़े भावुक हो गए। देखिए सर, आप अगर बिल की चिंता करके रो रहे हैं तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम इसका हिसाब रख लेंगे। उन्होंने कहा, नहीं सर, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे दाम चुकाना है। ईश्वर ने इतना मुझे दिया है कि मैं इसका 10 गुना दे सकता हूं। मैं रो इसलिए रहा हूं कि अब मुझे ख्याल आ रहा है कि एक दिन के ऑक्सीजन के लिए आपने $5,000 लिए हैं। मैं 90 साल का हूं, मैं बचपन से ऑक्सीजन ले रहा हूं उस ऊपर वाले का, और आज तक मैंने उसे कभी थैंक यू नहीं किया, कभी थैंक यू नहीं किया। तो ये जो छोटी छोटी नेमतें हैं आपको जिंदगी की, पानी, ऑक्सीजन, खुशी, परिवार, बिजली, घर, स्वास्थ्य, ये कितनी बड़ी बातें होती है जो हमने कभी ध्यान नहीं दिया, हमने गौर नहीं किया कि उस ऊपर वाले ने हमें कितना कुछ दिया है। आंख कभी भी कोई गम से खारी ना हो, आज किसी की हालातों की मारी ना हो, दुआ हमारी मौला तुमसे बस इतनी है, दुश्मन के घर भी कोई बीमारी ना हो, दुश्मन के घर भी कोई बीमारी ना हो। गुरु तेग बहादुर जी ने, तेग बहादुर जी ने जीना हमें सिखाया, तेग बहादुर जी ने जीना हमें सिखाया। जो दूर जा चुके हैं उनको नमन करें हम, जो दूर जा चुके हैं उनको नमन करें हम। जी हाँ, जो दूर जा चुके हैं उनको नमन करें हम। जो पास है हमारे उनको गले लगाया, जो पास है हमारे उनको गले लगाया। हर लम्हा मुस्कुराना, दुख में भी गीत गाना, हर लम्हा मुस्कुराना, दुख में भी गीत गाना, औरों के काम आना, औरों के काम आना, रास्ता हमें दिखाया। भगवान ने बहुत कुछ दिया है। अमेरिका में 22 साल रहने के उपरांत कुछ मकाम हासिल किया है। बड़ा गर्व था मुझे स्विमिंग पूल पर, घर में स्विमिंग पूल है, टेस्ला कार है, लेकिन अब रियलाइज कर रही हूँ कि ये सब कितना बेमानी है, कितना छोटा है, कितना कितना अर्थहीन हो जाता है जब हम अपनों को, अपनों के लिए कुछ कर ना पाए। तो उस पर एक कुछ कहना चाहती हूँ, रोटी ही खा सकते, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ बैंक में काम करती हूँ और रोज मिलियनर्स, बिलियनर्स से मेरा पाला पड़ता है। मैं देखती हूँ जिनके बैंक के अकाउंट्स में नंबर की गिनती मैं कर नहीं पाती हूँ, लेकिन तब मैं कहती हूँ ये सोच के, एक इस पर खास ध्यान चाहूंगी, रोटी ही खा सकते, दौलत खा नहीं सकते। जी हाँ, आप जितने भी इकट्ठा कर लें मनी, एसेट्स, प्रॉपर्टी, लेकिन खाएंगे आप रोटी ही, रोटी ही खा सकते, दौलत खा नहीं सकते। उसके संग तो बोल कभी बतिया नहीं सकते। पैसा तुमको ऊपर लेकर जा सकता है, लेकिन तुम पैसे को लेकर ऊपर जा नहीं सकते, तुम पैसे को लेकर ऊपर जा नहीं सकते। ये रास्ता अपना है, अकेला है, अकेले ही आप पार करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए कि कैसे कर रहे हैं। हाउ यू लिव इज हाउ यू डिसाइड टू लिव इट। उसने तुम्हें दिया है औरों को तुम भी देना, उसने तुम्हें दिया है औरों को तुम भी देना। अंतर नहीं रहेगा, अंतर नहीं रहेगा, क्या खोया क्या है पाया। अंतर नहीं रहेगा, क्या खोया क्या है पाया। हर लम्हा मुस्कुराना, दुख में भी गीत गाना, औरों के काम आना, रास्ता हमें दिखाया। दौलत हो या जवानी, दरिया का बहता पानी, दौलत हो या जवानी, दरिया का बहता पानी, मीठी तुम्हारी बानी, मीठी तुम्हारी बानी, इंसान का सरमाया। मीठी तुम्हारी बानी, इंसान का सरमाया। दौलत हो या जवानी, दरिया का बहता पानी, मीठी तुम्हारी बानी, इंसान का सरमाया। शंट के पास
एक एक नर्स आई कमरे में और बड़ी कुछ मेडिसिन चेक करने लगी, उसके स्टैटिस्टिक्स चेक करने लगी और बातों बातें में कहने लगी, अरे आपको कौन टेस्ट, आपका ऑपरेशन, आपका आपके आपका इलाज कौन कर रहे हैं? तो कहा गया कि मेरा इलाज तो डॉक्टर कामत कर रहे हैं, कुछ मैंने रैंडम नेम लिया है, अभी वो नाम मैं अब जागर नहीं करना चाहती, तो डॉक्टर कामत कर रहे हैं। तो नर्स कहती, ओ माय गॉड, डॉक्टर कामत आपको ट्रीट कर रहे हैं? उनके पास तो समय नहीं होता है, उनका तो 100% रिकॉर्ड है, उन्होंने जिसको ट्रीट किया है वो आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि वो ठीक ना हुआ हो, लेकिन उनके पास तो टाइम नहीं होता है, आपको कैसे ले लिया उन्होंने? आप तो बहुत लक्की हो कि उन्होंने आपको ट्रीट करने के लिए लिया है, चुना है, तो आपका तो मैंने बल्ले बल्ले है, कोई आपको छो ही नहीं सकता, छू ही नहीं सकता, आप ऑपरेशन को जाओ, आराम से जाओ, उनका 100% क्या 200% रिकॉर्ड है। वो पर पेशेंट, ही वाज इन 90% डिस्पेयर, डिस्पेयर इन द सेंस उसका चार्ट जो था, ही वाज अबाउट टू डाई, ये ट्रूथ है, ये सच कहानी है। और उस 90% स्टेटस से ही केम आउट ऑफ द थिएटर हैप्पीली, ही वाज लिविंग एंड ही लिव्ड फॉर अ लॉन्ग लाइफ। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, ये लिखा हुआ, ये किस्मत नहीं होती, ये आप अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, खुद बनाते हैं। एक समय के बाद ईश्वर से हमें कलम लेनी पड़ती है कि आगे क्या, आगे की कहानी हम लिखना चाहते हैं, और लिखी है आज की कथा, आपके हाथ में है। चाहे वो स्क्विरल एफर्ट हो, गिलहरी प्रयास हो, लेकिन वो जो धारी बनती है ना गिलहरी पर, वो राम जी लिखते हैं और उन्हीं के माथे लगती है, उन्हीं के पीछे लगती है जो ये प्रयास करते हैं। आज ये समय नहीं है हम दोषारोपण करें कि सरकार की गलती है, उसकी गलती है, उसकी गलती है। टीवी के आगे बैठकर 100 बातें करने से बेहतर है आप किसी एक का आंसू पोंछ लीजिए, आपको ये पुण्य, ये परम कार्य मोक्ष दिलाएगा। और वो किसी के प्रति आपकी जवाबदारी नहीं है, आपको किसी को जस्टिफाई नहीं करना कि मैंने ये किया फलाना किया। आईना देखिए, अपनी आंखों से मिलाइए और खुद कहिए कि हाँ, आई कुड मेक अ स्मॉल डिफरेंस। बहुत बहुत धन्यवाद।